हेलो, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक मैथ्स पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा है और अभी हम आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट लगातार बता रहे हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हो तो आपको काफी कॉन्सेप्ट का जानकारी हो गया होगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम आपको क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज ये क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और क्वेश्चन बनाने का सफल या असफल प्रयास जरूर हुआ होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान से आप देखिएगा, क्वेश्चन काफी आसान है। कह रहा है कि इफ बीसीडी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जैसे ही हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो आपके दिमाग में एकदम तुरंत आ जाना चाहिए कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें तुरंत आनी चाहिए थी, आ भी गया होगा। ठीक है, बीसीडी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। आगे यहां तक का क्वेश्चन सोल्व। BE इज एंगल बाइसेक्टर, देखो BE एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब BE जो है एंगल बाइसेक्टर, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, कितना तक दिख रहा होगा, और ये कितना हो जाएगा 30। बात समझ पा रहे हो इतना? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी का। देन फाइंड FD इज टू DC, मतलब FD ये वाली और DC इसका रेशियो निकालना है लेंथ का। कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात कह रहे हैं तो काफी बार ये बातें मैं दोहरा चुका हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में, जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही मीडियन भी होगा, वही आपका एल्टीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो मैं बात, अगर यही एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मान लीजिए ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, बात समझ पा रहे। अब क्या करो कि डी से ई को मिला दो, मैंने छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया कि डी को ई से मिला दिया। अब आप बात करो कि अगर हम कहें कि अगर ये मीडियन है, अगर ये बीई मीडियन का भी काम कर रहा है, तो क्या ये साइड और ये साइड बराबर नहीं होगा? मतलब हम ये दोनों ट्रायंगल में एक रिलेशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर एक बार नहीं दिख रहा है तो फिगर को निकालना सीखो। इसको ओ है, मान लो इस फिगर को हम निकाल दिए, देखो निकाल रहे हैं। ठीक है, ये है आपका ओ, ये है आपका डी और ये आपका है ई। ठीक है, और एक फिगर को ये निकाल दीजिए, मतलब ओ ई को ही लेकर के एक और ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा ये आपका आ गया सी। कोई दिक्कत? आप देख रहे हो ये डी ओ और ओ सी दोनों साइड बराबर हैं। देखो डी ओ और ओ सी ये दोनों साइड बराबर है, दिख रहा है ना, ये डी ओ सी दोनों साइड बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि BE एक मीडियन का भी काम करेगा, कोई परेशानी नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, यही एल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब DO और OE, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, और ये एंगल भी दोनों बराबर है, दोनों 90-90 का है, देख लो दोनों 90-90 का है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या OE दोनों में कॉमन है क्या? देखो OE दोनों में कॉमन है, देखो ये दोनों फिगर को जोड़ दो, थोड़ा नजदीक फील करो कि थोड़ा सा नजदीक ला रहे हैं, तो जैसे ही नजदीक लाएंगे तो आपको DCE ट्रायंगल मिल जाएगा ना, DCE फिगर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें एक साइड, इसमें एक साइड, दोनों बराबर, ये भी दोनों साइड बराबर और ये दोनों एंगल बराबर। मैंने आपको SAS कॉन्ग्रुएंट बताया था क्या? SAS कॉन्ग्रुएंट, SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि तीसरा साइड खुद बराबर हो गया। मतलब ये है कि DE
ईसी के बराबर है, मतलब यही फिगर में ना कि डीई ये लाइन इसके बराबर है, बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब सब साइड बराबर है तो सब एंगल बराबर होगा, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दैट मीन्स कि ये एंगल जो है यहां पर का ये एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ठीक है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे ही बोले ए से एस फिगर, ए से एस प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सभी साइड आपस में बराबर, सभी एंगल आपस में बराबर, ठीक है, मतलब इस फिगर को उठाओ इस पे रख दो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, तो सभी साइड सभी एंगल बराबर, इसको उठाओ और इस पे रख दो तो 90-90 ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इस एंगल के ओवरलैप हो जाएगा। अब समझो, इतना तो समझ में आ गया, अब हमको ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो पता हो गया इस दोनों त्रिभुज में ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सबसे बड़ी बात। चलिए इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखो कि ये एंगल कितना होगा, एंगल ई कितना होगा, जैसे ही एंगल ई पता चल जाएगा मेरा सब काम हो जाएगा। देखो यार, पहला चीज कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों साइड बराबर है ना, जी देख रहे हो आप, एक बार इस फिगर को देखने का प्रयास करो, डी सी और देखो एकदम प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले रहा हूं, और इसमें बता रहे हैं कि दोनों साइड आपस में बराबर है, दोनों एंगल आपस में बराबर, पहले भी बता दिए कि दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अब ये कितना होंगे आप समझिए, आप देखो बी डी ई सी, बी डी ई सी देखो ये सर्किल है और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, देख लो ये बना हुआ है बी डी ई सी। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्किल के अंदर है और क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल को टच करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज, और इस पे भी एक वीडियो बना हुआ है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझिएगा तो वहां जाकर अच्छा से आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, इसके आमने सामने के एंगल का सम जो होता है, ये दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो आप देख लो, और इस एंगल का भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये बातें हैं। इसका मतलब ये देखो कि इसके सामने अगर बी डी ई सी में बी के सामने कौन है, ई है, और सी के सामने कौन है, डी है, तो बी के सामने ई है तो ये दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऑलरेडी पहले से 60 है तो ये क्या 120 होगा, ये कितना होगा, ये पूरा 120 होगा, ये कितना हो जाएगा 120 होगा। और आपको ये पता है कि अगर ये में ये जो है 120 होगा तो तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसका मतलब मेरे पास 60 डिग्री और बच रहा है, तो 60 डिग्री को बराबर बराबर करने के लिए दो से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, बात समझ पा रहे हो, दैट मीन्स ये वाली 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये भी आपका कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, बात समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं है, समझ पा रहे ही हो गया। अब आप देखो यार, थोड़ा सा एकदम देखो फिगर, अब इसी फिगर को हम थोड़ा सा बाहर कर दे रहे हैं समझने के लिए, आपको इसी फिगर को थोड़ा पहले भी बाहर किए थे अभी भी बाहर, ये 90 ये 90 ये 30 ये 30 आ गया। तो अगर इस एंगल की बात करते हो सिर्फ डी ई ओ का, ठीक है, तो 90 और 30 कितना 150, सॉरी 90 और 30 कितना 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, और इसमें भी 90 और 30 60, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, और ये इसके बराबर, तो बताओ ओवरलैप नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पे कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये क्लियर। तो अगर आपको ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, ये 130 आ गया, सब एंगल में आप आ जाओ, देख लो अब यहां आ जाओ,
इस एंगल की बात करते हैं, देखो इस एंगल की, तो एक स्ट्रेट लाइन क्या 180 डिग्री का नहीं होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो अगर 60 30 90 पैदी से हो गया तो ये कितना बचा? ये एंगल 90 बचा, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है और एफ ई सी एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां से लेके 120 है दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर एफ डी ई फिगर को बाहर करो और तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा ये डी है ये एफ है, ठीक है, और एफ डी हो गया और थोड़ा सा ऐसे निकाल दो डी ई है, ठीक है, और एफ डी ये एफ है और ये ऐसे है, तो मतलब ये आ गया कि ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो क्या एंगल एफ नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे। 90 और 30 कितना? 150, और ये कितना हो जाएगा? 30, दैट मीन्स ये 30 डिग्री आ गया। बात समझ पा रहे हो? कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप ये देखिए कि हमने एंगल निकाल लिया, थोड़ा सा फिगर तुम्हारा ज्यादा खराब हो गया है, लेकिन मैथमेटिक्स तो सही चलता है यार, साफ सुथरा नहीं रहेगा, ठीक है, देखते रहिएगा। तो आप ये देखो, आपको निकालना है एफ डी इज टू बी सी, तो देखो एफ डी इज टू डी सी करके जो ट्रायंगल है उसको बाहर करो ना, थोड़ा दिखने लगेगा। एफ डी सी यही ना, ठीक है, यही ना फिगर है, इसी में ना एफ डी और डी सी का रेशियो पूछ रहा है। एंगल का वैल्यू लिख दो, ये 30, ठीक है, और एफ भी 30, ठीक है, और ये 30 और 30, और ये कितना हो जाएगा? 120। आपको पता है कि ये एंगल बराबर होगा तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा ही होगा, डेट मीन्स कि एफ डी इज टू डी सी, एफ डी अगर ए है तो डी सी भी ए होगा। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने लगा, मतलब ए इज टू ए, या वन भी मान सकते थे, तो 1:1 भी कर दो, देखो कैंसिल 1:1, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? एफ डी इज टू डी सी। फिर से देखो थोड़ा हम इसको समझा देते एक बार और। तो यही क्वेश्चन आपके सामने था कि बी डी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बी ई एक एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको निकालना था एफ डी इज टू डी सी। चलिए अब इसको तुरंत आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया होगा, आपको पता है कि कितना डिग्री? 60 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर तो ये 30 30, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर बी ई एंगल बाइसेक्टर है तो ये बी ई एल्टीट्यूड भी होगा, तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ठीक है, 90 90 90, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्या करना है कि डी को इसे मिला दो, ये कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा, रिवीजन करते रहोगे आपको पता हो चलते जाएगा कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है और कहाँ नहीं। आप देख लो यार, आपको ये साइड बराबर है, ठीक है, ये साइड बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, अपने आप कह दोगे कि ये साइड के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हो कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, कि दो साइड के बीच में एक एंगल है, यहाँ दो साइड के बीच में एक एंगल है यहाँ, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको ये एंगल कितना होगा देख लो यार, ये 60 है तो 120 होगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि बी डी ई सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है तो 120 हो जाएगा, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, इसका मतलब ये हुआ ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि ये दोनों का सम 60 होना चाहिए, तो 120 और 60 180। अगर आप इस फिगर में आ जाओ, ये 120 है, 120 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, खुद ब खुद उतना क्या करना है। और आपको ये पता है कि ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, और आपको ये पता है कि 90 और 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। और एफ डी इज टू डी सी का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 30 है और ये 30 है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, तो ये 1 तो ये भी 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:1। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड का था यार, 30 सेकंड का था, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो और ये सब क्वेश्चन को 30 सेकंड 15 सेकंड ये सब स्पीड से आप बनाने का कोशिश करो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल दे रहे हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। एबीसीडी एक स्क्वायर है और बीपीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, एपीडी, ठीक है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, वीडियो को पॉज करो, बनाने का कोशिश करो, ठीक है। आप लोग बनाने का कोशिश किए हो गए, ठीक है, चलो बना देते हैं तुरंत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको निकालना है एपीडी, तो इसको इसे मिलाना पड़ेगा ना, पहला काम करना ही पड़ेगा, तब नहीं एंगल मिलेगा, ठीक है। अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और बी पी सी अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। और पूरा 90 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री है, और ये कितना है, 30 डिग्री है। कोई समस्या वाली बात है नहीं ना, कोई बड़ी समस्या होगा ही नहीं है। आपको पता है कि ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, क्योंकि बी पी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बी सी ए बी के बराबर, तो ये भी बराबर है। और आपको पता है बी सी सी डी के बराबर, तो ये भी बराबर, तो सब साइड बराबर। अच्छा, ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों साइड बराबर, तो ये भी दोनों एंगल बराबर। अब फाइंड आउट करना है, अगर ये एंगल निकल जाएगा और ये एंगल तुमको पता ही है, तो तीनों एंगल जोड़ करके 360 से घटा देंगे, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बताए थे, ठीक है। चलिए, कोई बड़ी बात है नहीं। ये 30 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, उसमें 30 डिग्री पता है कितना होगा, 150। इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना, 150, और दोनों बराबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75 डिग्री। ये सब तो एकदम तुम्हारा माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। डेट मीन्स की ये 75 और ये भी 75, बात समझ पा गए। तो ये 75 पता चल गया, ये 60 मामला यहाँ पे अटक रहा है, ये भी तुरंत सोल्व हो जाएगा। ये 30 और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, यही पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से लेके ये ट्रायंगल का सम 180 डिग्री है, जिसमें 30 डिग्री हमको पता है तो घटा देंगे 150। आपको ये दोनों एंगल का सम 150 आ गया और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। डेट मीन्स कि ये 75 आ गया, ये भी 75 आ गया। आपको निकालना है एपीडी और को ये तीनों एंगल का सम पता चल गया, 75 और 75 150 प्लस 60 210, बस 360 में से 210 घटा दोगे तो क्या 150 नहीं आएगा क्या, यही आपका आंसर है 150, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखने में अजीब लगता है, ये फिगर दे दिए डर गए यार, तुम प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अप्रोच लो। अगर तुम अपने कंधे पे स्टार लगाना चाहते हो तो आपको तो इस प्रकार के क्वेश्चन को फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सपना बड़ा देखे हो तो कोशिश तो जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। आप कोशिश जबरदस्त करते रहो यार। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर पहला वीडियो में हम दे दिए थे। और एक और खुशी की बात यह है कि हम अब आपका एक फुल कोर्स ला रहे हैं, बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होगा। प्ले स्टोर पे पाठक मैथ्स गया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अभी से ही, और काफी कम पेमेंट पे आपको एकदम फुल कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग का क्लास ले लोगे, एसएससी और रेलवे का कर रहे हो तो एसएससी रेलवे का क्लास ले लोगे। और जल्दी ही इसी चैनल पे, इसी एप्लीकेशन पे आपको रीजनिंग और इंग्लिश का भी क्लास बहुत ही अच्छे टीचर के द्वारा दिया जाएगा। यूट्यूब पे क्या है कि आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन आते रहता है, आप परेशान हो जाते हो, कभी इनसे पढ़ो कभी इनसे पढ़ो। अगर हमसे पढ़ने में तुमको अच्छा लग रहा है यार, तो आप पाठक मैथ्स गया चैनल को डाउनलोड कर लीजिए और बहुत ही जल्दी वहां पर फुल कोर्स आपको मिलेगा काफी कम पेमेंट पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।